हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोगों ने बात किया था सिंपल मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी का। उसमें से सिंपल मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं डीबीटी में, उसके बारे में। सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है डीबीटी बीट के लिए। प्रत्येक साल इससे 2 से 3 क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आते हैं। तो ये समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डीबीटी बीटी सीरीज का ये 5वां वीडियो है। पहला वीडियो में हमने सिलेबस और उसके स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, किस तरह किया जा सकता है। दूसरा वीडियो हमने बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे, जिसमें हमने पार्ट ए का जनरल एनालिसिस किया था और पार्ट ए का 50 क्वेश्चन से जो जनरल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। दूसरा वीडियो हमने बनाया था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें एक महीने टेस्ट सीरीज शुरू किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीबीटी बीटी 2019 के लिए थे। हमारा टॉपिक था उसमें प्लांट बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर, और दूसरा था टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्निक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पर। चौथा वीडियो हमने बनाया था कि किस तरह से जो डीएनए डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, पार्ट ए का क्वेश्चन 11 था। 1 लीटर ऑफ 18% ग्लूकोज सोल्यूशन इज कन्वर्टेड एन एरोबिकली इनटू द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द थियोरिटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एज्यूम आइडियलिटी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ द इंटायर ग्लूकोज वुड बी। सबसे पहले समझते हैं कि एसटीपी क्या है। एसटीपी के बारे में कहते हैं प्रेशर 1 bar, जो इक्वल होते हैं 0.987 एटीएम और 1 एटीएम के। टेम्परेचर 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। आइडियल गैस के लिए भी मोलर का ये फॉर्मूला होता है, जिसके कैलकुलेशन से इसका वॉल्यूम निकलता है भी मोलर का 22.4 लीटर। और एनटीपी की बात करें तो एनटीपी का प्रेशर 1 एटीएम होता है, टेम्परेचर 293 केल्विन, 20 डिग्री और रूम टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं। आइडियल गैस के लिए इसका वी मोलर का फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर ये 24.04 लीटर वॉल्यूम होता है गैस का। इसका मतलब है कि ये मोलर वॉल्यूम है, एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.04 लीटर होते हैं, एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है गैस का। और अगर एसटीपी की बात करेंगे तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज का, 18% ग्लूकोज। 18% ग्लूकोज का क्या मतलब है? अगर ग्लूकोज का समझते हैं तो उसका फॉर्मूला जो ग्लूकोज है C6H12O6। C6 6 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का 12 यूनिट होता है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। अगर इसका मॉलिकुलर वेट हम लोग निकालेंगे ये होता है 180। एक ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 180.156 यूनिट हुआ। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल रिएक्शन का, तो ये होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। क्वेश्चन कहता है कि 18% ग्लूकोज का एनएरोबिकली डाइजेशन होता है, कन्वर्जन होता है, जिससे वो मीथेन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और एक ग्लूकोज के टूटने से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 होता है। 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन कहने का मतलब है 18 ग्राम इन 100 ml। परसेंटेज का ही मतलब होता है। अगर हम लोग मोलरिटी निकालना चाहेंगे तो हमेशा हमें चाहिए हमें इन 1 लीटर और इन 1000 ml। तो 100 ml कंटेंस 18 ग्राम, सो 1000 ml 18 × 1000 by 100 180 ग्राम। अब अगर हम लोग मोलरिटी निकालना चाहेंगे इसका, नंबर ऑफ मोल, सो नंबर ऑफ मोल गिवन मास इन 1 लीटर 180 ग्राम
और मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, 180 ग्राम अप्रॉक्सीमेट, सो 1 मोल। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, टोटल गैस 6 मॉलिक्यूल, और गिवन ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल लोगों ने अभी अभी निकाला है। तो अब दो फैक्टर हमारे पास हैं, एक अगर एसटीपी पे बात करेंगे तो 22.4, और अगर एनटीपी पे बात करेंगे 24.04। दोनों से देखते हैं, से क्वेश्चन में दिया हुआ है एनटीपी, लेकिन बहुत सारे बुक एनटीपी और एसटीपी दोनों पे 22.4 का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बुक में ऐसा मिलता है। हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, चूंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो जाते हैं 134.4, और अगर 24.0 से मल्टीप्लाई करते हैं ये होता है 144.24। गिवन आंसर भी 134.4 से मैच करता है, मतलब इन्होंने इसी फैक्टर को लिया है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन टू, एन एस टी बफर कंटेन 20% सुक्रोज, 100 मिलीमोलर ट्रीस बफर, 10 मिलीमोलर EDTA, एंड गिवन द स्टॉक सॉल्यूशन, जो स्टॉक दिया हुआ 50% सुक्रोज है, 1 मोलर का ट्रीस है और 200 मिलीमोलर का EDTA है। 1 लीटर बनाने के लिए इस कंसंट्रेशन का, 20% सुक्रोज, 100 मिलीमोलर ट्रीज और 10 मिलीमोलर का EDTA बनाने के लिए इस स्टॉक सॉल्यूशन से कितना लेना होगा। M1 V1 बराबर M2 V2, या हम लोग लिख सकते हैं N1 V1 बराबर N2 V2। ये तो एक फैक्टर है, चाहे तो यहाँ मोलरिटी हो सकता है, नॉर्मलिटी हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, तो इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग निकालेंगे। अभी फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया इसका, फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर फाइनल है। अब हमें सॉल्यूशन बनाना है कितना का, 20% का, मतलब 1 लीटर में हमें कितना चाहिए, 200 ग्राम। 20% करने का मतलब है कि 20 ग्राम इन 100 ml, तो 1000 ml में 200 ग्राम, तो 200 ग्राम हमें रिक्वायर्ड है किसका, सुक्रोज का। गिवन सॉल्यूशन क्या है, 50%। सुक्रोज का गिवन सॉल्यूशन 50%, मतलब कि 50 ग्राम है 100 ml में, तो इसका कितना ml चाहिए, हमें कितना चाहिए, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम के लिए कितना लेना होगा, तो 200 × 100/50, फोर हंड्रेड एम एल, मतलब कि गिवन सॉल्यूशन से 400 ml अगर आप लेते हैं सुक्रोज का, जो कि 50% है, तो टोटल कितना ग्राम आपको सुक्रोज मिलेगा, 200 ग्राम, जो कि 1 लीटर में डालने से वो 20% हो जाएगा। एक सुक्रोज का ऑप्शन निकल गया, तो 400 किसमें किसमें है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। नेक्स्ट इसी तरह दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, अब है कि 1 मोलर का ट्रीस है, ये स्टॉक है, आपको क्या चाहिए, 100 मिलीमोलर का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है 1000 ml में। तो 1 मोलर ट्रीस खाने का क्या मतलब है, 1 मोलर ट्रीस खाने का मतलब है 1 ग्राम इन 1000 ml, मोलर यही होता है ना, सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर, कितना ग्राम सॉल्यूट है मोलर में, यही है मोलरिटी। इसको हम लोग निकाल लेंगे M1 V1 बराबर M2 V2 के तहत, फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है, 1000 ml, मोलरिटी हमें पता है, फाइनल मोलरिटी कितना चाहिए आपको, 100 मिलीमोलर, और स्टॉक सॉल्यूशन
1 मोलर का, और कितना वॉल्यूम रिक्वायर है ये निकालना है। तो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, तो वी वन बराबर कितना हो गया, मोलर को इधर लाइए 1 मोलर को। इस मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, तो ये 3 कैंसिल, तो 100, ये 100 ml आप अगर लेंगे और इसको अगर 1000 ml 1 लीटर में डालेंगे फाइनल वॉल्यूम में, इसका फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा वो 100 मिलीमोलर का होगा। ये ऑप्शन कहाँ पर है इन दोनों में से, दोनों में है, तो 400 ml हम लोग निकाल चुके हैं। अब 50 ml चाहिए या 100 ml चाहिए EDTA का, सेम इसी तरीके से निकालेंगे। EDTA का स्टॉक सॉल्यूशन कितना दिया है, 200 मिलीमोलर EDTA, और हमें प्रिपेयर कितना करना है 10 मिलीमोलर का। सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। एम वन कितना है, जो गिवन सॉल्यूशन है स्टॉक सॉल्यूशन, यह है 200 मिलीमोलर, जिसका वॉल्यूम नहीं पता है, निकालना है कि कितना वॉल्यूम इसका चाहिए, जो कि फाइनल कंसंट्रेशन हो जाए 10 मिलीमोलर का और वॉल्यूम 1000 ml है। तो अगर ये वॉल्यूम निकालना है तो इसको इस पर करेंगे, यहाँ पे 200 मिली का वैल्यू निकालेंगे -3, और मिली रख भी सकते हैं, यहाँ भी मिली है, यहाँ भी मिली है, वो कट जाएगा, और 20 20 2 5 10 × 5 = 50 ml। तो हमें 50 ml चाहिए स्टॉक सॉल्यूशन से 1000 ml मिलाने के लिए। तो ये ऑप्शन है 3 में, मीन्स इसका ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 1 normal HCl एंड 4 normal NaOH टू प्रिपेयर द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 7। pH 7 कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ OH प्लस OH माइनस आयन। एक सिंपल वे है इसको समझने का, तो 1 normal HCl अगर आप देते हैं, मीनिंग कि ये 1H प्लस आयन दे रहा है, 4 normal NaOH अगर आप देते हैं, इसका मतलब है कि 4OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसका रेशियो क्या है 1:4 का रेशियो आपस में, लेकिन हमें बराबर चाहिए एच और ओ एच। तो अगर हम लोग 4 unit HCl का लेते हैं तो 4H+ आयन, और 1 unit NaOH का लेते हैं तो चूंकि 4 normal है तो ये 4OH- आयन, तो ये pH 7 को दर्शाता है, दोनों बराबर है ना, ये बेसिक होगा ना एसिडिक होगा, मतलब कि 4 गुना HCl होगा और 1 गुना NaOH होगा। अब हमें डिस्कशन से पता चला कि HCl का रेशियो और NaOH का रेशियो 4:1 होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम 1000 ml है या 1 लीटर है, 1000 ml को अगर 4:1 डालेंगे तो हो जाएगा 800 + 200 ml, यही है 4:1, 4 × 2 1 × 2। तो ये ऑप्शन किस में है, ये आपका बी नंबर में ऑप्शन है, मीन्स ये करेक्ट आंसर है। ये इजी वे है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ ये ब्रैकेट में एम दिया है, इसका मतलब कि मोलरिटी मांग रहा है ये, मोलर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 50 ml ऑफ 0.7% WbVNaCl सॉल्यूशन। ये परसेंट दिया है, मतलब कि 0.75 ग्राम वेट है इन 100 ml। जब ये पर 100 ml दे दिया है तो इस वॉल्यूम का बहुत मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि मोलरिटी हम लोग निकालते हैं 1000 में, तो सिंपली निकाल लेंगे कि 100 ml कंटेन 0.7
75 ग्राम, सो 1000 ml कंटेन 0.75 इंटू 1000 बाय 100, 7.5 ग्राम। अब मोलरिटी निकालना है, तो मोलर मास कितना है NaCl का? मास 58.44 ग्राम होता है, और हमारे पास कितना अवेलेबल है? 7.5 ग्राम इन 1000 ml, तो 58.4 ग्राम गिव्स 1 मोलर। सो 7.5 ग्राम गिव्स 7.5 इंटू 1 बाय 58.4। सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 0.128। ये ऑप्शन है एक नंबर में, मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 ml ऑफ 20% इथेनॉल इज मिक्स विद 25 ml ऑफ 80% इथेनॉल। एक इथेनॉल है 20% का 5 ml का, दूसरा इथेनॉल है 80% का 25 ml का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। इसे सिंपल तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 20% 5 ml प्लस 25 ml 80%, फाइनल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? 25 ml और 5 ml 30 ml 30 ml। और कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है तो निकाल लेंगे, x लिख देते हैं। ये 100 प्लस 2000 इक्वल टू x इंटू 30। x का वैल्यू निकालने के लिए 30 येगा 2100 बाय 3 70%। ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द मोलारिटी ऑफ 50% NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज। 15% कहने का मतलब है 15 ग्राम इन 100 ml और 1000 ml, 100 ml में था 15 ग्राम, सो 1000 ml 1000 इंटू 15 बाय 100 150 ग्राम। अब मोलरिटी की बात करेंगे तो NaCl का मॉलिकुलर मास कितना होता है? 58.4, 58.4 गिव्स 1 मोल इन 1000 ml, सो 150 ग्राम गिव्स हाउ मेनी मोल्स? सो 150 बाय 58.4 इक्वल टू 2.56। सो ये ऑप्शन है ऑप्शन वन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस आर मिक्स्ड इन फॉलोइंग मैनर। 480 ml ऑफ 1.5 मोलर, 520 ml ऑफ 12 मोलर सेकेंड सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। ये अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया है, ये निकलेगा m1 v1, m2 v2 इक्वल टू m3 v3। ये फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम हमें पता है m1 कितना है, 480 इंटू 1.5 प्लस 520 इंटू 1.2 इज इक्वल टू, इसकी मोलरिटी नहीं पता है लेकिन फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, 480 प्लस 520 1000 ml। सो m3 का निकालेंगे, 482 इंटू 1.5 720, 520 इंटू 1.2 624। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1344 बाय 1000। अगर मोलरिटी निकालना है तो 1000 को इस पर लेते आएंगे, ये हो जाएगा 1.344 मोलर फाइनल वॉल्यूम। ये किस में ऑप्शन है?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 29% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग ए मोलरिटी ऑफ 3.6 वुड हैव ए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है H2SO4 का 98, 29% का सॉल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, आपके पास किस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। हम लोग बिल्कुल ही सिंपल वे में इसको बनाएंगे। डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास अगर निकालना होगा, मोलरिटी दिया है, मतलब कि 3.6 मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर मास 98, ये मास हो गया H2SO4 का, लेकिन हमें डेंसिटी निकालना है सॉल्यूशन का, तो हमें मास भी चाहिए सॉल्यूशन का। तो बाय परसेंटेज 29% अगर सॉल्यूशन दिया है, तो ये टोटल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और बाय अगर क्वेश्चन पूछेगा पर लीटर तो 1 लीटर डालेंगे, अगर पूछेगा पर एमएल, यहाँ क्वेश्चन में है पर एमएल, तो इन 1000 ml है, तो ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 352.8, इसको अगर डिवाइड करेंगे 29 से तो ये हो जाएगा 1216.5। ये हो गया ये पूरा सॉल्यूशन, ये बाय है 1000 ml का, तो ये हो जाएगा 1.2165। ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 1.22 है, तो इसको लिख सकते हैं 1.2116 को हम लोग लिख सकते हैं 2, तो ये हो गया 1.22। ये एक इजी वे है, इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कहे तो मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, 29% दिया था सॉल्यूशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये इजी वे है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स हैं इसको बनाने के, मैं खुद ही इसको 2 से 3 तरीके से बना सकता हूँ, ये उसमें से सबसे इजी वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस डेली बाय ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट ह्यूमन। एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है CO2, CO2 मतलब 1 मोल है कार्बन का, 2 मोल है ऑक्सीजन का। कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 1.2 × 10^25 मॉलिक्यूल्स। ये ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।